प्रोडक्शन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नितेश बिष्ट भाई स्टूडियो से हल्दान में नबावी रोड में। तो आओ नितेश भाई देखा बातचीत करना और आप सब लोगों के लिए मिलोनो नितेश बिष्ट जी देखा। चलो चलो तो मित्रों हम लोग पूछ गया नितेश भाई के स्टूडियो में। नितेश भाई स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम बातचीत कर लो नितेश बिष्ट भाई दे गए तो आप सब लोग जुड़ी रहे हम दे गए हैं। तो मित्रों हम लोग आयल छा साउंड इंजीनियर रिकॉर्डिस्ट छन हमार नितेश भाई बिष्ट जी और लमगड़ा अलमाड़ा ग्रोणी वाल छन या हल्दान में इन्होंने स्टूडियो खोल रखो बम्बई में काम कर रखो बढ़िया सीखी हुई छन और म्यूजिक इंडस्ट्री में कौने लोग बाकी मतलब बढ़िया काम करने का भी क्योंकि कि जो एक सीखी हुई आदमी होने वो बढ़िया काम दे। तो नितेश भाई तो कहूँ कि सबसे पहले तो आप स्वागत छ हमारे चैनल में घुघुदी जागर में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में पूछना चाह की एक तो अपना नाम आखिर बस साउंड इंजीनियर लाग रहा हो तो साउंड इंजीनियर का पहले हमन का समझाओ हमारे दर्शकों का और हमन का कि साउंड इंजीनियर क्या है। साउंड इंजीनियर देखा जाए तो साउंड मतलब जो आवाज है ध्वनि वो कोई प्रकार कर सके हैं वो म्यूजिक ला सक आवाज ला सके हैं वो ते साउंड इफेक्ट ला सकते हैं जो दरवाज बंद होने आवाज बादल गरजने आवाज कोई आवाज है वो कह रिकॉर्ड कर फिर वो जगह अगर कोई वीडियो छ या हम कहीं ब्रॉडकास्ट करन छ कहीं का सुनून छ तो कह रिकॉर्ड कर फिर वो कैसे हम का बड़ी तरीके सुना सकनो। मैं इंजीनियरिंग जो ला तुम्हें लगने है जो ला हमारे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स छन हार्डवेयर छन या सॉफ्टवेयर छन उन्हें यूज कर बिना जब हम वो कुमा अपन थोड़ा माथा पंचसी कर बिना का साउंड का भल बनाने कोशिश करनो वो हमार काम हो इंजीनियर मतलब इंजीनियर हूँ कि जैसे कोई घर बढ़ून छ तो पहले डिजाइन दे दियो कि जैसे वैसे वो भी हिसाब पर प्लानिंग करो लो सब कुछ एस्टिमेट वगैरह बढ़ा लो। अब जैसे गीत बढ़ो तो पहले डमी दी जाए फिर बाद जाए उसी तो कंपोजर वगैरह का काम हो कि एक धुन ऐसे हो और बाद एक अरेंजर हूँ जो भी यह धुन छ तो यह मैं यो इंस्ट्रूमेंट बजाल और यो इंस्ट्रूमेंट का कंपटी अरेंजमेंट करन छ अरेंजमेंट मतलब जुगाड़ लगून से कंपटी का कर लाइव बजून से को मैन बजून से और कोई म्यूजिशियन से तो उन्हें कल फंसी बजून से वो अरेंजर का काम हो और यो सब रिकॉर्ड काम करनो काम हो जो साउंड इंजीनियर रिकॉर्डिस्ट जगह पर हो तो वो रिकॉर्ड करो लुक है फिर अब जैसी आयल मैं बुलानी हूँ तुम सुनना चाह अल्लाह तुम बुला ला मैं सुनू अब पांच छह लोग यहाँ दगड़ा सुन बुला ला तो वो मैं बोल यार को के सब गजबजाट जाओ मैं सुनी न मैं तो साउंड इंजीनियर का काम हो कि ये तो सब चीज बर्न जब रिकॉर्ड हरी दगड़ा है एक गीत में चल उसमें ढोलकी ला बाजना है तबले ला बाजना हुडुक ला बाजना तुम्हारा हारमोनियम ला बाजना गिटार बाजना मुरुल बाजने सब कुछ बाजने गान ला ना अब मैं कैक साउंड कतु होल की एक दूसरे का डिस्टर्ब न करो और दुआ का सुनन मतलब भल लागो तो उमे वो इंजीनियरिंग में काम हो कि आप कसी को का कम करन छे वो क्लियर ल हो या मतलब जब हम मिक्स करनो ने यार ये हुड़का और उठ जाता है इसमें थोड़ा सा ये हुड़का सुनाई नहीं दे रहा तो वो सुनाई भी दे और वो डिस्टर्ब भी ना करे वो किस हिसाब से उसको करना है जैसे तो ये सब साउंड इंजीनियर का काम रहता है कितना उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए उसको फ्रीक्वेंसीज में कैसे रखना है क्या रखना है ये सब कुछ साउंड इंजीनियर का काम रहता है। और जैसे इंजीनियरिंग में भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं ऐसे साउंड इंजीनियरिंग के भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं अगर इंडस्ट्री लेवल पर जाएं तो यहाँ तो क्या है कि छोटी इंडस्ट्री है छोटे स्टूडियोज हैं बजट कम रहता है तो सब कुछ एक ही को करना पड़ता है अदरवाइज जैसे फिल्मों में क्या रहता है एक डायलॉग रिकॉर्डिंग वाला एक अलग इंजीनियर रहेगा डबिंग इंजीनियर बोलते हैं एक जो म्यूजिक मिक्सिंग वाला रहेगा वो अलग रहता है एक जो साउंड इफेक्ट्स वगैरह रहता है बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसका अगर बड़े लेवल पर जाए तो और छोटे में मैंने बता दिया कि बस जो
आपकी किसी भी तरह की आवाज हो उसको रिकॉर्ड करके उसको अच्छा करके जो भी उसमें इंजीनियरिंग कर रहा है बंदा वो साउंड इंजीनियर है। तो हम लोग समझ गए कि साउंड इंजीनियर क्या हूँ, और मगर लागू की साउंड इंजीनियर भूमिका जो है सबसे ठुल जो मतलब वो निकालने के लिए कि बिहार के बढ़िया चीज सबसे बढ़िया चीज निकालने की कोशिश करनी। एक्चुअली एक लास्ट में जिम्मेदारी तो रहे कि कोई सिंगर कसी गा रहे जा रहा हो, कोई म्यूजिशियन कसी बजा रहे जा रहा हो, जसिले जा रहा हो, लेकिन तुम आउटपुट तुम उन दिन से थे बढ़िया दिन से जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। तो अच्छा अगर हम हमारे जो दर्शक देखने लाग दी वो अगर अपन पास ओनी अपन गीत रिकॉर्ड करनो हो तो वो कशी आ सकनी है, और किस भी जरा यो जो जाग में हम रह रहे हैं यो कल छे स्टूडियो थोड़ा बता देता तो लोगों का सहूलियत हो जाए। यह स्टूडियो छे हरिद्वार में नवाबी रोड शिव मंदिर से नेहरा पास में बस बी के बगल में मेन रोड में छे, और ऑनुअल कशी ला सकनी अपन कार ला सकनी बाइक में आ सकनी पैदल ला सकनी ई रिक्शा में ला सकनी। जी बिल्कुल ठीक है। तो मित्रों ये अच्छी बातचीत हमारे नितेश भाई देगा, और हम देखा छे हमारे गायक लगा राजू भाई, तो राजू भाई तो बोलो कि एक जो गीत नितेश भाई जी हमारे रिकॉर्ड कर रहा हो ची और उमर जो म्यूजिक दे रहा हो ची मेरी बहाना घसेरी एक बेरा हुड़ुक देगा राजू भाई तो बोलो कि यार छुड़ा दिया राजू भाई स्वागत छु। बाना घसेरी तू जाना घसेरी मायादार घसेरी दिलेदार घसेरी मेरी बाना घसेरी तू जाना घसेरी मायादार घसेरी दिलेदार घसेरी तेरी मुखड़ी चमकीरा हरिया घास मा घास मा रात नी देना दिन भूकना तेरे सुवास मा खूबसूरत गीत हमारे यूट्यूब चैनल में छे, राजू भाई पहली स्टूडियो रिकॉर्डिंग छे और नितेश भाई जी भी रिकॉर्डिंग कर रखा है और म्यूजिक दे रखा, जो म्यूजिक मतलब एक या सुनस की शांत बढ़िया वातावरण में सोनी लायक जो एवरग्रीन कोनो हम लोग हमेशा मतलब सदाबहार जता कही जा तो सदाबहार भी म्यूजिक छे बढ़िया वाल कभी अगर मौक लागला जरूर सुनिया होके, और नितेश भाई जी जो म्यूजिक छे वो सदाबहार हो जो कर्ण प्रिय जरूर होनी मतलब बहुत लागू सुन में भटभटाहट है मतलब मगर यश लागू की सब चीज भटभटाहट में नहीं चलन
तो ये कर्णप्रिय म्यूजिक देने लाग रही है हमारे नितेश भाई जी, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनों और बधाई दिनों कि वो अगिल का नाम बढ़ाते रहो, रोशन करते रहो अपन और हमारे दर्शकों को। द्वि शब्द लास्ट में वही है, वीडियो पसंद आ रही तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए भगवती जागर चैनल पे। धन्यवाद।